अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, मैं सुलेखा अरफा फ्रॉम सुलेखा किचन से। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए ये मिक्स स्प्रिंग रोल्स है जिसमें चिकन भी रहेगी और बॉइल्ड चिकन एंड वेजिटेबल्स भी है। अगर आपने चाहिए तो चिकन नहीं डालना है तो आप वेज स्प्रिंग रोल्स बना सकते हैं। वैसे तो मैं घर के बने हुए रैप से ही स्प्रिंग रोल्स बनाती हूँ, बट इस बार मैंने जो बाजार से जो लाया था, मैंने वो जो मिलते हैं स्प्रिंग रोल्स के जो रैप्स मिलते हैं, मैंने आज उसमें बनाए हैं। पर अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी रेसिपी भी अपडेट करूंगी कि घर में कैसे बनाते हैं स्प्रिंग रोल्स के पूर, या जिसे आप कहते हैं स्प्रिंग रोल्स पट्टी, स्प्रिंग रोल रैप्स। सो वो मैं आपको अगर चाहिए तो नेक्स्ट इसमें बता दूंगी। आज चलिए अब शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं स्प्रिंग रोल्स। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए। तेल जब गर्म हो जाए तो 4-5 कली लहसुन की और 2-3 हरी मिर्ची, उनको क्रश कर लीजिए और उसे डाल दीजिए और उसे और थोड़ा सा फ्राई कीजिए वो तेल के अंदर। और थोड़ा फ्राई हो जाए तो ये मैंने 1/2 कप फ्रेंच बीन्स ली है, फरज बीन, उसे मैंने बारीक काट लिया है। तो 1/2 कप पहले फ्रेंच बीन्स को डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक, पिंच काली मिर्ची और 1/2 टीस्पून ये सोया सॉस, ये सारे को अब मिला लेंगे हम और इसे हम स्लो पर पकने रख देंगे। वो ये हम पहले इसके लिए डाल रही हूं मैं, बिकॉज ये गलना बहुत जरूरी है। और जब वो दूसरे वेजिटेबल्स मुझे पूरी तरीके से नहीं गलाने, एकदम ओवर कुक्ड नहीं करना है, बट इसे तो हमें प्रॉपर कुक करना ही पड़ेगा बिकॉज ये पकना जरूरी है। सो पहले मैं इसे पका रही हूँ स्लो के ऊपर रखकर, एंड देन बाकी की प्रोसीजर कंटिन्यू करूंगी। इन बिटवीन चेक कीजिए कि ये गला के नहीं, लेट्स चेक इट आउट, थोड़ा गलना बाकी है। सो अभी मैं फिर से ढाक कर रख देती हूँ। चलिए फिर से मैं चेक करती हूँ हुआ कि नहीं, एंड यस इट्स डन। तो अब मैं आगे का सारे वेजिटेबल्स डालूंगी। ये मैंने 250 ग्राम गाजर काट लिए हैं बारीक लंबे। अगर आपको कटर में काटना है तो आप काट सकते हो, मैंने हाथ से काटे हैं। और अगर आपको कम क्वांटिटी भी लेनी है, जैसे 1 कप भी लेना है तो आप ले सकते हो। ये डालिए और उसके बाद शिमला मिर्च बारीक काट कर डालनी है। ये 2 शिमला मिर्च है, आप 1 कप डाल सकते हो। ये समथिंग अराउंड से अबाउट 200 ग्राम्स है ये, और बाकी है ये कैबेज जो 300 ग्राम है, बट आप चाहिए तो 1-1.5 कप डाल सकते हो, डिपेंड्स आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो मैं ये क्वांटिटी का बना रही हूँ, आप कम या ज्यादा कर सकते हो। अब आप फास्ट कर दीजिए चूल्हे को, आंच को। 250 ग्राम चिकन भी डालनी है। ये चिकन को मैंने प्री हैंड बॉइल किया है 2 कप वाटर के अंदर, पानी के अंदर, विथ थोड़ा नमक और 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक, मतलब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, और पूरा ड्राई करके इसे श्रेड कर लिया है। अब हम ये सारी चीज को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिरी का पाउडर, 1 टेबलस्पून विनेगर सिरका, 1 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 से 3 वैसे हम 2 से 3 कहते हैं, बट फिर हमें अगर ज्यादा चाहिए, अगर आपको ऐसा लगे कि टेस्ट और ज्यादा बेहतर आएगा तो आप डाल सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, अगर आपको चाहिए तो, आपको नहीं डालना है तो आप मत डालिए, बट मैं तो डालती हूँ हमेशा। अच्छा, यहाँ अब मैं ना चिली सॉस नहीं डाल रही हूँ, उसकी वजह यह है कि मैंने काली मिरी डाली है 1 टीस्पून भर के, और दूसरी बात ये वजह यह है कि मैंने लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, और तीसरी बात यह है कि मेरे बच्चे भी खाने वाले हैं, सो आई थिंक ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा, तो जब पक जाएगा तब मैं थोड़ा टेस्ट कर लूंगी एंड देन ओनली आई विल ऐड चिली सॉस, वरना मैं ऐड भी नहीं करूंगी। बट मैं आप चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो,
डिपेंड्स ऑन यू, टोटली डिपेंड्स ऑन यू. आप चाहे तो जैसे अगर आप जैसे अब मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा आधा टीस्पून जितना डाला है, अगर आपको और ज्यादा डालना है तो डाल दीजिए, बट अभी इससे ज्यादा मैं नहीं डालूंगी क्योंकि इट्स मोर देन इनफ, बहुत स्पाइसी हो जाएगा एंड बच्चे नहीं खा पाएंगे. सो अगर आप लोगों को खाना है, इफ यू लव स्पाइसी, तो आप चिली सॉस और ऐड कर सकते हो. से अबाउट 1 टेबल स्पून आप चिली सॉस डाल सकते हो या फिर 2 टीस्पून चिली सॉस डाल सकते हो, एज पर योर स्पाइस आपको जितना चाहिए. अब उसे आप सारों को मिक्स कीजिए. एंड उसे हम फास्ट पे ही करना है सो दैट क्रंचीनेस भी नहीं जाना चाहिए और थोड़ा सा कुक भी हो जाना चाहिए, उस हद तक हमें पकाना है इसे. से अबाउट फ्यू मिनट्स, ज्यादा भी नहीं. अब यहां आप नमक वगैरह चख लीजिए. मेरा नमक तो सही है, मुझे सोया सॉस और 1 to 1.5 टेबल स्पून डालना है तो मैं वो डाल रही हूँ, दैट्स इट. बाकी मेरी स्पाइस भी परफेक्ट है, नमक, काली मिरी का स्पाइस भी आ रहा है, चिली का भी आ रहा है, एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट. नाउ आई जस्ट, मुझे थोड़ा सा सोया सॉस कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया. अब मैं फिर से इसे मिक्स कर रही हूँ और अब जब ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है पूरी तरीके से, तो अब मैं इसमें आगे, अब इस स्टेज पे आपके पास दो चॉइसेस है, या फिर आप यहां इसको ड्राई कर लीजिए और गैस बंद कर लीजिए और नमक और स्पाइस सब चेक करके कूल होने रख दीजिए, या फिर मैं जैसा करती हूँ आप वैसा भी कर सकते हो. 1 कप पानी के अंदर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के उसे डाल दीजिए और फास्ट पर उसे पका लीजिए. इससे क्या होगा, थोड़ा सा सॉस भी मिलेगा आपको और टेस्ट में और ज्यादा बेहतर लगेगा. अगर आपको ये चाहिए तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो आप इसे उसी टाइम पे ड्राई करके बंद कर सकते हो. अच्छा, इसमें जो मैंने पानी यूज किया है, आप जो सादा पानी लिया है, लेकिन आपको चाहिए तो आप स्टॉक भी ले सकते हो, चिकन स्टॉक भी ले सकते हो, जिसमें आपने बॉइल किया था वो स्टॉक भी ले सकते हो. चलिए, मेरा ये थिकन हो चुका है और मैं अभी इसे ऑफ कर दूंगी और इसे थोड़ी देर ठंडा होने रख दूंगी. जब तक ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो जाएगा, इसे ढकना नहीं है हमें, ढकने से पानी छूटेगा जो हमें फिर पूर में डालना है, तो इट वुड बी रियली पानी छोड़ेगा एंड ऑल दैट. सो हमें इसे ऐसे ही कूल होने रख देना है, फिर हम इसे वार देंगे पूर के अंदर, स्प्रिंग रोल्स की जो पट्टी होती है उसके अंदर. अच्छा, इस स्टेज पे एक और पॉइंट बोलना चाहूंगी कि आपको अगर टमाटो सॉस डालना है तो आप डाल सकते हो, फेयर एनाफ, 1 टेबल स्पून इस जगह पे आप टमाटो सॉस डाल दीजिए, बट मैं ज्यादातर टमाटो सॉस को थोड़ा अवॉइड करती हूँ. सो और किड्स भी हैं तो मोस्टली मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि जिस चीज में नेसेसरी होता है वहां डालती हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा यू नो बैलेंस्ड चाहिए एकदम, तो आप टमाटो सॉस भी डाल सकते हो, फेयर एनाफ. जैसा मैंने कहा था, चलिए मैं भी डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 1/2 टीस्पून आप डाल सकते हो, 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून एज पर यू वॉन्ट. और चलिए, ये ठंडा हो चुका है और इस तरीके से आपको ये जो शीट्स है ये रेडीमेड मिलेगी, जैसे आप देख सकते हैं ये सारी शीट्स रेडीमेड मिलती है. और अगर रेडीमेड स्प्रिंग रोल्स की शीट्स नहीं लेनी है आपको, तो आप घर में भी पूर बना सकते हो. वैसे तो मैं घर में ही पूर बनाती हूँ, बट आज जो कि मेरे पास टाइम की कमी के कारण मैं इसे ये जो रेडीमेड शीट्स है उसमें डाल रही हूँ. बट नेक्स्ट टाइम जरूर मैं शो करूंगी, बताऊंगी कि घर में पूर कैसे बनाते हैं इसके लिए और समोसे के लिए. सो चलिए, अब हम ये आप इस तरीके से इसे रखिए और 1 से 2 टेबल स्पून डालिए, और 2 टेबल स्पून डालने के बाद इसे थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए. और अब आपने क्या करना है, इन दोनों को पलटिए और इसे यहां यू कीजिए. और ये जो मैंने लई बनाई है आटे की, 2 टेबल स्पून आटा लिया है और थोड़े पानी में इसे घोलकर लगा दिया है. अब ये एज पे आप ये लगा दीजिए सो दैट ये पूरी तरीके से सील हो जाए आपका. इज इट राइट? चलिए, मेरा ये एक हो चुका है. अब मैं सारे भर लेती हूं
अगर आपको फिर से चेक करना है तो आप देख सकते हो, आप 2 टेबलस्पून इधर डालिए इसके अंदर, फिर ये जो है ये दोनों पॉइंट्स को आप बंद करिए और इसे टाइटली हाँ रोल कीजिए और पुश कीजिए बैक, तो और टाइट होगा, और उसे टाइट पकड़ के रोल कीजिए और ये लाइन लगाइए और उसे इसके एजेस को बंद कर दीजिए. कैन यू सी दिस? और अगर ऐसा लगे तो यहां पर भी डाल के इसे बंद कर दीजिए और इस साइड पर भी डाल के यहां पर बंद कर दीजिए. यहां पर भी मैंने किया है, डालकर बंद कर दिया है. तो मेरे तो थोड़े बन चुके हैं. अब मैं पहले इन्हें फ्राई करूंगी फिर आगे का और बनाऊंगी. एक कढ़ाई के अंदर सफिशियंट तेल डालिए और तेल जब गर्म हो जाए तो उसे स्लो कर दीजिए. गर्म हो जाए तेल और उसे स्लो कर दें आप, तो उसमें एक एक ये डाल दीजिए. ज्यादा मत डालिए, 2 या max to max 3 डालिए और उसे डीप फ्राई कीजिए. पलट दीजिए सारे और फ्राई कीजिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक. चलिए मैंने एक तो निकाल लिया है, अब मैं इन्हें ड्रेन करके अब्सॉर्बेंट पेपर टिश्यू पेपर पे रख देना है आपने. चलिए मेरे हो चुके हैं सारे और रेडी टू सर्व है. मैंने प्लेटिंग कर रही हूँ और अब रेडी हो चुके हैं और मैं इसे चटनी, शेजवान चटनी है उसके साथ सर्व करूंगी, या फिर पुदीने और कोथमीर की भी चटनी है मेरे पास उसके साथ सर्व करूंगी, और बच्चे लोगों को टमाटो सॉस के साथ दूंगी. तो ये था चिकन स्प्रिंग रोल्स, मिक्स स्प्रिंग रोल्स पर्टिकुलरली से कहते हैं. ये मैंने आज, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने इसे स्प्रिंग रोल्स जो रेडीमेड मिलते हैं पट्टीज उसमें रैप्स में बनाए हैं. अगर आप चाहें तो घर में भी पूर बना, हम पूर कहते हैं उसे, घर में भी आप रैप जो उसकी जो पट्टी होती है स्प्रिंग रोल्स की वो घर में भी बना के आप बना सकते हैं. बट आई लाइक घर में बनी हुई. सो बट इस बार मेरे पास टाइम बहुत कम था एंड किड्स वांटेड टू हैव इट, सो क्विकली मैंने बना दिया. सो इट्स रियली कन्वीनियंट कि बाहर की जो रेडीमेड होती है थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है हमें घर में बनाए, बट दे आर रियली ट्रीट टू हैव देम, यू नो. चलिए अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी हो, अच्छी लगती हो, सो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज मेक श्योर कि आप बेल आइकन को क्लिक जरूर करें. सो फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ. अंटिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.